नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वागीशा और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल टैलेंटेड इंडिया। 80 के दशक में जब लोग थिएटर में हीरो हीरोइन को देखने जाते थे, तब हिंदी सिनेमा में एक ऐसे विलन की एंट्री हुई जिनकी आवाज ने दर्शकों की धारणा को बदल दिया। ऐसे अभिनेता जिन्होंने खलनायक की भूमिका में नई जान डाली, वे जब पर्दे पर संवाद बोलते थे तब लोग ठहर जाते थे, थोड़ा डर भी जाते थे। ऐसे ही दमदार और जोशीले व्यक्ति थे अमरीश पुरी। जिस वक्त अभिनेता सिनेमा जगत से रिटायर होते हैं, उस वक्त 40 की उम्र में अमरीश पुरी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा। एक ऐसा समय आया जब हिंदी सिनेमा की हर कमर्शियल फिल्म में अमरीश पुरी का होना जरूरी हो गया था। आज उन्हीं अमरीश पुरी का जन्मदिन है। 22 जून 1932 को जन्मे अमरीश पुरी वैसे तो फिल्मों में नायक यानी हीरो बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें विलन बना दिया और विलन के रूप में उन्हें जो शोहरत मिली वह उस समय के नायक से कम नहीं थी। अपनी दमदार आवाज, डरावने गेटअप और प्रभावशाली शख्सियत से सालों तक फिल्म प्रेमियों के दिलों में खौफ पैदा करने वाले अमरीश पुरी ने नकारात्मक भूमिकाओं को इतने प्रभावी ढंग से निभाया कि हिंदी फिल्मों में वे बुरे आदमी का पर्याय बन गए। अमरीश पुरी जवानी के दिनों में हीरो बनने मुंबई पहुंचे थे। उनके बड़े भाई मदन पुरी पहले से फिल्मों में थे, लेकिन निर्माताओं ने उनसे कहा कि तुम्हारा चेहरा हीरो की तरह नहीं है। उससे वे काफी निराश हो गए थे। नायक के लिए अस्वीकार कर दिए जाने के बाद अमरीश पुरी ने थिएटर में अभिनय शुरू कर दिया और वहाँ खूब प्रशंसा पाई। इसके बाद साल 1970 में उन्होंने फिल्म में काम करना शुरू किया। 70 के दशक में उन्होंने निशांत, मंथन, भूमिका, आक्रोश जैसी कई फिल्में की। 80 के दशक में उन्होंने बतौर खलनायक कई अविस्मरणीय भूमिकाएं निभाई। हम 5, नसीब, विधाता, हीरो, अंधा कानून, अर्धसत्य जैसी फिल्मों में उन्होंने बतौर खलनायक ऐसी छाप छोड़ी कि फिल्म प्रेमियों के मन में उनके नाम से ही खौफ पैदा हो जाता था। 1985 में सुभाष घई के निर्देशन में बनी फिल्म मेरी जंग में अमरीश पुरी द्वारा निभाया गया एडवोकेट जीटी ठकराल का किरदार अमरीश पुरी के सबसे उम्दा किरदारों में से एक है। 1979 में फिल्म त्रिदेव में सनी देओल, माधुरी दीक्षित, जेकी श्रॉफ, नसीरुद्दीन शाह, संगीता बजलानी और अनुपम खेर जैसे अदाकारों से सजी फिल्म त्रिदेव में अमरीश पुरी एक बार फिर एक खतरनाक और डरावने विलन के रूप में सामने आए। राजीव रॉय के निर्देशन में बनी फिल्म त्रिदेव में सारे किरदारों से अलग भैरव सिंह का किरदार एक अलग अंदाज का था। 1991 में सुभाष घई के निर्देशन में बनी सौदागर में अमरीश पुरी ने काम किया। उस दौर के दो सबसे बड़े अभिनेता दिलीप कुमार और राजकुमार के सामने एक प्रभावशाली विलन बनना अमरीश पुरी के लिए बड़ी चुनौती थी। फिर भी इन सब चुनौतियों को दरकिनार कर अमरीश पुरी ने चुनिया चंद उर्फ चुनिया मामा के किरदार को बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। वहीं 1992 में आई फिल्म तहलका में एक बार फिर अमरीश पुरी एक खुकार विलन जनरल डोंग के रूप में नजर आए। 1992 में प्रियदर्शन के निर्देशन बनी फिल्म मुस्कुराहट में एक अलग किरदार में नजर आए। वहीं 1995 में राकेश रोशन के निर्देशन में बनी फिल्म करण अर्जुन में हिंदी सिनेमा के दो खान शाहरुख खान और सलमान खान एक साथ नजर आए, लेकिन फिल्म की कहानी एक दमदार विलन के बिना अधूरी थी, जिसे अमरीश पुरी ने पूरा किया। ठाकुर दुर्जन सिंह के किरदार में अमरीश पुरी का एक बार फिर वही दमदार आवाज और रौबीला व्यक्तित्व पर्दे पर छा गया। वहीं एक और 1995 में हिंदी सिनेमा की सबसे सफल और चर्चित फिल्मों में से एक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अमरीश पुरी ने एक सख्त और जिम्मेदार पिता चौधरी बलदेव सिंह उर्फ बाबूजी की भूमिका निभाई। शाहरुख खान, फरीदा जलाल और काजोल के साथ मिलकर अमरीश पुरी ने इस फिल्म में गजब की अदाकारी की। साल 2001 में अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म गदर में अमरीश पुरी एक पाकिस्तानी राजनेता अशरफ अली के किरदार में नजर आए। सनी देओल और अमीषा पटेल के साथ अमरीश पुरी ने इस फिल्म में एक पिता और खलनायक दोनों के तौर पर कमाल का अभिनय किया। और उनकी आखिरी फिल्म कच्ची सड़क में उन्होंने अपनी भूमिका निभाकर 12 जनवरी साल 2005 में उन्होंने सिनेमा जगत और दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन के एक साल बाद यह फिल्म सन 2006 में रिलीज हुई थी। ऐसे थे अभिनेता, विलन और बॉलीवुड के खलनायक अमरीश पुरी। तो ऐसी खास जानकारियों से हम आपको हर रोज रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया और साथ ही साथ टैलेंटेड इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि टैलेंटेड इंडिया की अपडेट्स आपको हर रोज मिलती रहे। अगर
आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।